यार एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है ऑप्टिक्स में। लोग सोचते हैं प्रिज्म कर लिए, लेंस कर लिए, मिरर कर लिए, बहुत है। ऐसा नहीं है यार, आपको अगर ऑप्टिक्स में अच्छा करना है आपको इंटरफेरेंस भी करना है, डिफ्रैक्शन भी करना है और पोलराइजेशन भी एकदम बहुत अच्छे से करना है। एंड अगर आपने ये चीजें बहुत अच्छे से करना है यू कैन एंश्योर अबाउट 12 to 16 मार्क्स इन फिजिक्स सेक्शन। सो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। तो यार बहुत लोगों ने कमेंट किया था और आज फाइनली वीडियो ला रहा हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं 6 टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से कर लिया आप श्योर हो कि आप इनमें पक्का सारे क्वेश्चन बना लोगे, सो यू विल श्योरली गेट मोर देन 60 मार्क्स आउट ऑफ अ पॉसिबल 100 इन योर फिजिक्स इन जेईई मेन जुलाई सेशन। ओके, बात हो चुकी है, बहुत ज्यादा रिसर्च करके आया हूँ मैंने, बहुत सारे पेपर्स उठाए 2017 का, 2018, 2019, 2020 का, जो आपका फर्स्ट सेशन था उसका भी, सो उसके बाद पूरा निकाला है मैंने। ओके, सो वी आर गोइंग टॉक अबाउट 6 टॉपिक्स एंड डिस्क्लेमर, मैकेनिक्स नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग होते हैं ना यार, 11th में घुसे सबसे पहले काइनेमैटिक्स कर लिए, काइनेमैटिक्स ले लूंगा, चलो मैकेनिक्स में, ओ हमसे तो बन ही नहीं रहा है, अब क्या होगा, हमारा जेईई मेन में नहीं होगा। आप देख सकते हो मैकेनिक्स नहीं है, यानी कि मैकेनिक्स में से आपका कम से कम, आपका ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए कम से कम नहीं, एक या फिर दो क्वेश्चन आता है। ओके, स्टिल यू कैन स्कोर 92 अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं भी है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। सबसे पहले बात करते हैं विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स इन जेईई मेंस। वेल, नो पॉइंट फॉर गेसिंग, इट इज ऑब्वियसली मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, आपका रेडियो एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, आपका आपका न्यूक्लियर का कॉम्पोजिशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आप मॉडर्न फिजिक्स एकदम अच्छे से कर लेते हो यू कैन एक्सपेक्ट अबाउट 16 to 24 मार्क्स आउट ऑफ पॉसिबल 100। ओके, इन जेईई मेन। ओके, दिस इज वन थिंग। उसके बाद बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इज द ओनली चैप्टर फ्रॉम 11 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेईई मेन्स। ओके, इसके बाद और 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे लेकिन सारे आपके 12th के हैं। दिस इज द ओनली टॉपिक दैट इज देयर फ्रॉम क्लास 11 सिलेबस एंड दैट स्पीक्स अबाउट वॉल्यूम्स दैट 11th का कोर्स इज नॉट दैट फेवरेबल करने को एज कम्पेयर टू 12th का कोर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिक्स। ओके, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली आपको क्या क्या करना है, आपको काइनेटिक थ्योरी बहुत अच्छे से करना है, हर बार उससे एक क्वेश्चन आता ही है और वर्क डन से भी आपको क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चन दैट इज 12 to 16 मार्क्स फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट ओनली। ओके, अब बात करते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यार एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है ऑप्टिक्स में। लोग सोचते हैं प्रिज्म कर लिए, लेंस कर लिए, मिरर कर लिए, बहुत है। ऐसा नहीं है यार, आपको अगर ऑप्टिक्स में अच्छा करना है आपको इंटरफेरेंस भी करना है, डिफ्रैक्शन भी करना है और पोलराइजेशन भी एकदम बहुत अच्छे से करना है। एंड अगर आपने ये चीजें बहुत अच्छे से करना है यू कैन एंश्योर अबाउट 12 to 16 मार्क्स इन फिजिक्स सेक्शन। ओके, बात हुई ऑप्टिक्स की भी, 3 डिस्कस कर चुके और 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं। नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यार लोग बहुत इजी समझते हैं, बहुत इजी है भी, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के भी आप थोड़े बहुत अगर देख सको, व्हीटस्टोन ब्रिज जनरली पूछा जाता नहीं है जेईई मेन में, बट स्टिल अगर आप उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे देख लो ना जो आपके जेईई मेन्स के लेवल के, काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपका 8 से 12 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स, वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर जो पूछे आते हैं वो है पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द पर्सपेक्टिव ऑफ जेईई मेन्स। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक्स। मैग्नेटिक्स में मैंने यहाँ पे क्लब कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। ओके, तो अगर आपको मैग्नेटिक्स के सिक्योर करने हैं 8 से 12 नंबर तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो लॉज है वो भी अच्छे से कर लो, उसके एप्लीकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल। अगर आप ये सारे टॉपिक कर लेते हो ना पूरे क्वारंटाइन में, आपके पास अभी भी 55 डेज से भी ज्यादा बचे हुए हैं, अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लोगे ना यू कैन गेट एटलीस्ट 16 फिजिक्स ये सारी चीजें करके ही। बाकी जितनी भी चीजें बच गई आप वो सब भी कर सकते हो, बट स्टिल मैंने आप पे कौन से टॉपिक्स नहीं लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़े बहुत बोलना जो इस सबसे थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमेशा एक क्वेश्चन आता है फॉर श्योर, छोटा सा टॉपिक आप कर सकते हो। रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स, ये सब है। ओके, बट स्टिल अगर आपको प्रैक्टिस ढंग से करने हैं जेईई मेन की, सबसे पहले इन 6 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से उड़ा दो, क्योंकि हम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्स बोल रहे हैं। मार्क्स अच्छे आएंगे तभी तो रैंक आपकी अच्छी आएगी जेईई मेन में। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे जल्दी लेने का। अलविदा।